मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए अफ्रीकी चीतों की बसाहट हैबिटेट, यहां के इकोसिस्टम और इको डेवलपमेंट के लिए इंडियन ऑयल ने नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी को 50 करोड़ 22 लाख रुपए मुहैया कराए हैं। इंडियन ऑयल ने यह राशि सीएसआर फंड के तहत उपलब्ध कराई है। नामीबिया से लाए गए अफ्रीकी चीतों के आने से भारत से विलुप्त हुए चीते की प्रजाति की कमी पूरी हो जाएगी। इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक डॉ उदय भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। इसी के साथ इंडियन ऑयल ने कूनो में चीतों की बसाहट के लिए राशि उपलब्ध कराई है। साथ ही कंपनी भुवनेश्वर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उत्तर प्रदेश में टीबी और कैंसर से निपटने के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है। मैं पहली बार इतनी साल बाद 1952 के बाद 70 साल के बाद चीता के आगमन हो रहा है और ये जो इंतजाम किया गया है उसके साथ इंडियन ऑयल जैसे कंपनी भी जुड़ गए हैं। हमारे कंपनी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलके ये चीता में कुछ फंडिंग कर रहे हैं। हम लोग कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करीब 50.22 करोड़ हम दे रहे हैं। ऑलरेडी इसके लिए एमओयू साइन हो चुका है। मूल उद्देश्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में एक मिशन रूप पे लिया गया है।